वैक्सीन पर अब केंद्र सरकार और राज्यों के बीच में तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली सरकार तो सीधे सीधे केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है, कह रही है कि केंद्र के निर्देश के चलते ही भारत बायोटेक दिल्ली को कोवैक्सीन की सप्लाई नहीं कर रहा। केजरीवाल ने कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा था। आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने भी प्रधानमंत्री को खत लिखा है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी भारत बायोटेक के बारे में जानकारी दी है और एक खत भी लिखा है कि दिल्ली को सप्लाई नहीं की जा रही क्योंकि कंपनियां कह रही हैं कि केंद्र जिसको कहेगा उसी को सप्लाई होगी। मनीष सिसोदिया ने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि कंपनियों ने इनकार कर दिया है। कंपनियां कह रही हैं कि केंद्र सरकार के निर्देश पर ही वैक्सीन की सप्लाई होगी। भारत बायोटेक ने कहा है कि केंद्र सरकार के निर्देश पर सप्लाई की जाएगी। दिल्ली सरकार ने प्रधानमंत्री को इस बाबत एक खत भी लिखा है। कल अरविंद केजरीवाल ने तमाम आरोप लगाए थे, इसके बाद कर्नाटक ने ग्लोबल टेंडर जारी करने का फैसला किया है। साथ ही साथ बड़ी खबर ये भी बता दें कि डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री अब से कुछ ही क्षण बाद 2:30 बजे वर्चुअल बैठक भी करेंगे तमाम राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ। दिल्ली में वैक्सीन लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने, दिल्ली के सब लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने 1,34,00,000 वैक्सीन की डिमांड की थी। ये मैं पहले बता चुका हूं, 67,00,000 वैक्सीन हमने कोविशील्ड से मांगी थी और 67,00,000 वैक्सीन हमने कोवैक्सीन से मांगी थी। कोवैक्सीन ने कल हमें चिट्ठी लिखी है, उन्होंने कहा है कि साफ साफ कह दिया है उन्होंने कि हम वैक्सीन नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। एक बात साफ है कि केंद्र सरकार ही तय कर रही है कि कहां कितनी वैक्सीन जाएगी, कितनी वैक्सीन देश के लोगों को लगेगी, कितनी वैक्सीन केंद्र सरकार एक्सपोर्ट करेगी, देश विदेशों में बेचेगी, ये केंद्र सरकार तय कर रही है। जब केंद्र सरकार तय कर रही है तो फिर ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए केंद्र सरकार को कि अगर वैक्सीन 6.5 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट नहीं की गई होती तो दिल्ली और मुंबई के एक एक आदमी को दो दो बार डबल डोज लग चुकी होती अब तक वैक्सीन की। यह जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार को लेनी चाहिए। आज कोवैक्सीन की सप्लाई तो उन्होंने मना कर ही दिया, हमारे पास में जितने भी रिजर्व था, जितना भी स्टॉक आया था वो खत्म हो गया है और हमारे पास इस वक्त कोविशील्ड के जितने सेंटर्स थे वो चल रहे हैं, लेकिन कोवैक्सीन के सेंटर्स हमें बंद करने पड़े हैं। 17 स्कूलों में करीब 100 से ज्यादा सेंटर्स हमको बंद करने पड़े हैं कोवैक्सीन के। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा केंद्र सरकार से कि देश में, राष्ट्र में इस समय जो संकट है उसकी गंभीरता को समझें और एक राष्ट्र की सरकार की भूमिका निभाएं।